वन कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जॉब अपडेट है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी अप्रेंटिस। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए एंड क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। ओके, जिसे अगर हम बात करें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के लिए, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, इसमें ये बीटेक डिप्लोमा होल्डर दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। तो टोटल 190 पोस्ट है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 एंड मैकेनिकल के लिए 20, डिप्लोमा सिविल के लिए 30, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 20 एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 एंड डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 20 एंड जो जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए कितनी 30। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 190 पोस्ट हो जाती है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करें तो जो कैंडिडेट रिक्वायर टू रजिस्टर देमसेल्फ्स, ओके, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन हम देख लेते हैं कि कितना कितना यहाँ पे मांगा हुआ है। ओके, जैसे कि विद इन 5 ईयर, ओके, आप लोग इसको रीड करें। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, जैसे कैटेगरी 1 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग इन द लिस्टेड फील्ड। ओके, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है उनकी जो बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम वी बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी सेम, मैकेनिकल के लिए वी बीटेक इन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, अगर हम बात करें कैटेगरी 2 के बारे में, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम प्रोसेस डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम प्रोसेस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम आ जाएगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अगर हम कैटेगरी 3 के बारे में बात करें, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द लिस्टेड जनरल स्ट्रीम। ओके, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट के लिए डिग्री इन बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडी। ठीक है, अगर हम एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 18 से 25 ईयर्स एज ऑन 1/9/2023 DOB इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको एज लिमिट काउंट करके वहां पे काउंट हो जाएगा। ओके, कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपको स्टिपेंड कितना मिलेगा यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9000 एंड जो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कितना है 8000 आपको मिलेगा टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए, और ग्रेजुएट है उनको 9000 मिलेगा। कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन, ठीक है, ये कुछ दिए हुए हैं, एनरोल करना चाहिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, जो ऑल द कैटेगरी टोटल मार्क्स ऑब्टेंड फॉर ऑल ईयर सेमेस्टर विल बी, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप लोग रीड कर लेना। अगर हम बात करें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग, कुछ यहाँ पे जैसे कि आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, एनरोलमेंट वेरीफाइड रजिस्टर्ड डिटेल्स ऑफ NITS पोर्टल में। ओके, अगर हम देखें और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि एप्लीकेशन की फोटो एंड सिग्नेचर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड, ठीक है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए, ईयर वाइज अलोंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए, 10th पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड इन केस ऑफ प्लान्ड लूजर कैंडिडेट, ठीक है, और RTS डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान्ड प्रूफ रिलेशन, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC एंड, ठीक है, ये सारी ये दिए। अगर हम बात करें फॉर ऑल कैंडिडेट एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें कि कितनी एप्लीकेशन फी लगेगी, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशंस कैटेगरी मेंशन बिलो एज, तो इसके लिए टोटल कितनी 100 पे, एससी एसटी फीमेल मैंडेटरी कैटेगरी के लिए कोई फी नहीं लगेगी, यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट जो आया हुआ इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने डिस्कस कर ली। इसके अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच टू ऑल। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये पोस्ट है किसके लिए, ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।